देखिए, भारतीय किसान यूनियन भानु का धरना प्रदर्शन यहाँ बिजली विभाग के जो संबंधित अधिकारी हैं उनके भ्रष्टाचार के संबंध में धरना दिया गया। यहाँ जो सबसे पहला जो प्रकरण है वो यह है कि श्यामपुर रोड पे एक मंदिर है, उसमें एक कनेक्शन था और यहाँ के जो जय हैं, जो यादव बताते हैं अपने आप को, उन्होंने जो है उस कनेक्शन के प्रति जो है दुर्व्यवहार के साथ में जो है उसको हटा दिया गया। वहाँ से लाइट चलती थी, रात्रि काल में कोई अपना पूजा पाठ करने आता था तो अंधेरे की वजह से वहाँ पर दिक्कत हो। दूसरा ये था कि वो लोग काफ़ी बड़ी उसमें संख्या में लोगों से धन की उगाही जो गैरकानूनी तरीके से होता है वो है। हमारा धन ये है कि सरकार के जो नियम हैं उनकी अवहेलना की जा रही है यहाँ पे। आप सरकार के नियम जो आपसे कहते हैं उसके मुताबिक कार्य करें, जांच करें, चेकिंग करें, जितना करें। हमारा भारतीय किसान यूनियन भानु का सहयोग बिजली विभाग के साथ में है, लेकिन वो चेकिंग के नाम पर दूसरे तरीके से धन की उगाही करते हैं। यहाँ तक भी है कि केबल अपने पास से ले जाते हैं, डालते हैं, वीडियो बनाते हैं, फिर बाद में उसको अपने जो माध्यम होता है, मीडिएटर होता है, उसको भेजते हैं, डरा करके उससे जो है पैसा ले लिया जाता है। यहाँ 16-17 एफिडेविट लोगों ने दिए हैं कि मेरे से इतना पैसा लिया गया, मेरे से इतना पैसा लिया गया। ठीक है, अगर वो चोरी कर रहे थे, माना कि अगर वो चोरी कर रहे थे, तो जो उनको पकड़ा गया आपके द्वारा तो राजस्व में जमा कराया जाता वो पैसा। अगर उनसे पैसा लिया गया है, वो एफिडेविट दे रहे हैं, तो फिर आपने राजस्व में क्यों नहीं जमा करा? मुकदमा पंजीकृत भी नहीं किया गया आपके द्वारा। तो ये सब जो है ऐसी समस्याओं को लेकर के आज यहाँ धरना प्रदर्शन किया गया। यहाँ के SDO ने जो है समस्याओं का निराकरण के संबंध में 2 दिन का समय लिया है। अगर 2 दिन के बाद में समस्याएं यहाँ हमारी नहीं ये सुलझाई जाती हैं तो अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो जाएगा। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि जय महोदय की कि वर्तमान सरकार के खिलाफ बोलते हैं। हमने कहा कि सरकारें सबकी होती हैं, ये सरकार भी हमारी, इससे पहले भी हमारी थी। ऐसे शब्दों का चयन ना किया जाए जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। मैं कुमार अनिकेत SDO की, तो आज मेरे कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन के द्वारा कुछ अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे एक धरना दिया गया था, जिसमें मुख्य जो मांगे थी वो थी कि लाइट से संबंधित समस्या, कि जो इतनी गर्मी में सप्लाई लोगों को सही मिलती रहे। कुछ लाइन मैनों के खिलाफ शिकायत थी कि वो सही से काम नहीं कर रहे हैं और रात जो चेकिंग होती है चोरी को, उसके लिए कुछ शिकायतें थी कि चोरी घर में जो घुसते हैं, तो इनके लिए जो समस्याएं थी इनका निवारण के लिए आश्वासन दिया गया है कि एक हफ्ते के भीतर जो भी है, कुछ लाइनमैन जो यहाँ पे सही से काम नहीं कर रहे उनके दूसरे बिजली घर पे करने के लिए, और जो नाइट गैंग हमने एक रख दिया है ताकि लोगों को रात में भी अपने बाद विद्युत आपूर्ति हम लोग कर सकें। अच्छा, जो आपके एक जय हैं धनंजय कुमार जी, जी उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, सभी कस्बेवासियों ने जो है एफिडेविट बना के दिए हैं। हाँ, उस पर भी है समस्या, उसके पर भी शिकायत आई है, उसके भी जब शिकायत हुई है उसका जांच होगी, जांच कमेटी बनेगी, जांच में दोषी पाए जाते हैं तो नियमानुसार अपना विभागीय नियमानुसार कार्रवाई होगी उन पर, अगर वो संलिप्त पाए जाते हैं।